हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट में एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कल रात में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नाइट में, तो उस यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के भर्ती को लेकर लगभग 5000 प्लस मैंने वैकेंसी बताई थी कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली उत्तर प्रदेश में, और मैंने बोला था जुलाई तक वैकेंसी आ जाएगी यानी कि चुनाव के बाद। और आप लोगों ने में से लगभग 4-5 कमेंट्स आए थे, ज़्यादा नहीं हो तो अच्छे कमेंट्स हैं कि सर ये नोटिफिकेशन कहाँ से है। कुछ लोगों ने बोला फेक है, तो चलो ठीक है, आप एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के हिस्ट्री निकाल के देख लो, कभी भी फेक न्यूज़ या फर्जी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। जो भी चीज़ें हैं जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग बोलते हो सर व्यूज़ नहीं आते आपके वीडियोज़ में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि व्यूज़ आपको भी पता है कहाँ पर आते हैं कहाँ पर नहीं आते। जो फेक बताते हैं जो चीज़ें, आप लोग भी वहीं पर जाना पसंद करते, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा और मुझे ये नोटिफिकेशन मिल गया, न्यूज़पेपर का नोटिस है। और किस न्यूज़ में निकला था इसको भी देख लीजिए, एनवीटी यानी कि नव भारत टाइम्स का ये न्यूज़ की कटिंग, इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें कैसे दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो लोग बोलते हैं उनका कारण बोला, इसको देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद यूपी में करीब 5000 पदों पर दरोगा की भर्ती निकली। अभी देखिए इसमें पहले लगभग 3500 वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन ये वैकेंसी की बात करें तो 2 सालों से टाली जा रही थी, लेकिन अभी कुछ और दरोगा रिटायर हो रहा है तो इसको लेकर लगभग 5000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ सकती है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक, साल के अंत तक इनकी लिखित और शारीरिक परीक्षा करवा कर रिजल्ट जारी करने की तैयारी, मतलब जो भी चीज़ें होंगी इसी साल में कर लिया जाएगा। हाल की सरकार की कोशिश थी कि इन भर्तियों की प्रक्रिया चुनाव के पहले ही शुरू की जाए, लेकिन फिलहाल नए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए तैयार है, नए प्रशिक्षण मुख्यालय, इसलिए अब चुनाव के बाद ही भर्तियां की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे 1 लाख आपको पद 1 लाख पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 49568 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही है, तथा यहाँ पर देखिए 2486 दरोगाओं और 400 मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए दरोगाओं की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखें अभी यहाँ पे 1500 और पोस्ट पे भर्तियाँ होनी है, वायरलेस विभाग में ये वैकेंसी आएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, चुनाव की वजह से ये वैकेंसी लेट हुई है, क्योंकि भर्ती बोर्ड चाह रहा था ये पहले ही हो जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें लोकसभा चुनाव के अलावा मौसम भी एसआई भर्ती टालने की वजह से बना रहा। दरअसल अगर बोर्ड लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा देता तो अप्रैल तक लिखित परीक्षा भी हो जाती, लेकिन इसके लिए शारीरिक परीक्षा मई से अक्टूबर तक का मौसम अभ्यर्थियों के लिए ठीक नहीं रहता, गर्मियों में उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका रहती है, बारिश में उनके चोटिल होने की भी, इसलिए शारीरिक परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड नवंबर से फरवरी के समय के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। दरोगाओं के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर से पहले पूरी हो जाएगी और नवंबर में उनकी शारीरिक परीक्षा भी करवाई जाएगी। तो ये सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं कहीं पे कोई फर्जी चीज़ें मैंने नहीं बताई, जो न्यूज़पेपर के हिसाब से मिला वही मैंने बताई। ठीक, मुझे एक और न्यूज़ की कटिंग मिली, ये तो नए साल में सूबे में होगी ये 5000 दरोगाओं की भर्ती, ये भी मुझे न्यूज़ की कटिंग में मिला, और इसको ध्यान रखिएगा, ये नए साल जब 2018 लास्ट की ये न्यूज़ की कटिंग है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 2 साल से ये प्रक्रिया लेट लतीफ हो रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया है कि चुनाव के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी, और बहुत अच्छा मौका है। आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी करना शुरू कर दें। कल वाला वीडियो जो लोगों ने नहीं देखा जाके देख लो, उसमें मैंने बताया कि क्या चीज़ें हैं, सारा डिटेल में मैंने बताया कि आपका कितने पोस्ट हैं, क्या आपका एज मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या चीज़ें आपको अभी पढ़नी है, सारे डिटेल में मैंने बताया, उसको जाके देखिए। देखते रहो, सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।